हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन कभी सोचा है कि इस दिन में क्या खास बात थी जो हमें 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली? पहला सवाल, 1947 ही क्यों? गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आजादी के लिए जागरूक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी। दूसरे देशों की बात छोड़ दो, वो अपने देश पर शासन करने में ही असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने आजादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आजादी देने की बात कही थी। कई मतभेदों और हंगामे के बावजूद भी भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवेल से शुरू हो गई और स्वतंत्र भारत का सपना सच होने की कगार पर था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया, जिस पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था। वायसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्ता कशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रखती थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आजादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। दूसरा सवाल, 15 अगस्त ही क्यों? लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलॉयड फोर्सेस के कमांडर थे, इसीलिए 15 अगस्त तारीख चुनी गई। तीसरा सवाल, रात के 12 बजे ही क्यों? जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी, तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अड़िग थे। खैर, इसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 बजे शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सिर्फ सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं उन्होंने नेहरू जी को भी ये कहा था कि उन्हें अपनी आजादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में 11:51 रात्रि से 12:39 की सुबह के बीच ही देनी होगी। इसमें एक और शर्त ये थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा।